होंगे, खाली मेरी एक बात मानो, कभी अपनी माँ को नाराज मत करना। माँ माँ को नाराज मत करना, अपने अब्बा को नाराज मत करना। अल्लाह ने जन्नत रखा तो माँ के कदमों के नीचे रखा, बाप को अल्लाह ने जन्नत का दरवाजा बनाया। आज बहुत से मेरे भाई, माफ करना, हमारी माँ ने बहुत तकलीफ उठाई। बोलो उठाई कि नहीं उठाई? 9 महीने तक आसान नहीं मेरे दोस्तों, आसान नहीं। 9 महीने तक पेट में बच्चे को संभालना, 2 साल तक अपनी छाती से लगाना, 2 साल के बाद भी बच्चा जितनी गलती करे सारा कसूर माँ के ऊपर। अरे मेरे दोस्तों, हमारी माँ ने गालियां खाई, हमारी माँ ने कपड़े धोई, हमारी माँ ने बर्तन को मांजा। अरे हमने वोमिट कर दिया तो माँ ने उठाया, हमारी नापाकी निकल गई तो माँ ने उठाया, हमने पेशाब किया तो माँ ने उठाया। अरे मेरे प्यारो, आज हम बड़े हो गए, वो माँ बिचारी रात को बहुत रोती है। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, हमारी माँ रो रो के कहती है, मैंने 4 बच्चों को बड़ा कर दिया, मैंने 5 बच्चों को बड़ा कर दिया। आज 5 बच्चे मिलकर एक मां को नहीं संभाल सकते, एक बाप को नहीं संभाल सकते। मेरे दोस्तों, हमारे घर में दोस्त आता है तो हमको अच्छा लगता है, हमारे घर में रिश्तेदार आता है तो हमको अच्छा लगता है, हमारे घर में कोई मिलने वाला आता है तो हमको अच्छा लगता है, घर में बाप आता है तो हमारा चेहरा खराब हो जाता है। आज मैं आपसे अपील करता हूं मेरे दोस्तों, ये गुनाह इतना खतरनाक गुनाह है, हमको समझ में नहीं आता। आपको मालूम है ना, एक साहब ही आए, आपने पूछा, मेरे नबी मेरे को क्या काम करना, इस्लाम में कौन सा काम करना? हमारे नबी ने फरमाया, जा माँ की खिदमत कर। क्या फरमाया? जा माँ की। तो वो साहब ही कहने लगे, अल्लाह के रसूल, आपको मालूम है मैं तो माँ की खिदमत करता हूं। हमारे नबी ने कहा, जा माँ की खिदमत कर। कितनी मर्तबा? उस सहाबी कहने लगे, अल्लाह के रसूल, आपको मालूम है मैं माँ की खिदमत करता। हमारे नबी ने कहा, जा माँ की खिदमत कर। कितनी मर्तबा? फिर वो सहाबी रोने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं माँ की तो खिदमत करता, आपने पहली मर्तबा कहा, दूसरी मर्तबा कहा, तीसरी मर्तबा कहा, माँ माँ माँ। हमारे नबी ने कहा, जा बाप की खिदमत कर। माँ का दर्जा बाप से कितना ऊंचा है? 3 गुना। बोलो बोलो, माँ का दर्जा बाप से कितना ऊंचा है? क्योंकि माँ ने वो 3 काम किए जो बाप ने नहीं किए, माँ ने वो 3 काम किए जो बाप ने नहीं किए। 9 महीने तक पेट में बच्चे को किसने रखा? माँ ने। दूध किसने पिलाया? अरे बोलो, माँ ने। बच्चे को जना किसने? माँ ने। तो दूध पिलाने वाली माँ, जनने वाली माँ, पेट में रखने वाली माँ, हमारे नबी ने फरमाया, ये काम बाप ने नहीं किया। माँ 3 गुना ज्यादा दर्जा रखती है। और मेरे दोस्तों, हम लोग उसी माँ को गाली देते हैं, कितनी जगह पे माँ को धक्का देता है। बल्कि माफ करना, मैंने अपनी आंखों से देखा, वरना कभी नहीं बोलता, मैंने गुजरात में यहाँ तक देखा, माँ के ऊपर हाथ भी उठा।